नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। एक बार फिर से बिहार में पछुआ हवाओं का प्रवाह जारी है। पटना समेत पूरे बिहार में कुछ दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। पूरे दिन सतही पछुआ हवा चलती रहेगी, इस कारण से सुबह और शाम रात के तापमान में कमी रहने के आसार बने हुए हैं। शनिवार को भी गया राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं। इन जिलों में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण से बिहार में बारिश हो रही है। ये विक्षोभ 12 फरवरी तक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इसके अलावा अभी सुबह में कोहरा छाया रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे के मुताबिक पछुआ हवा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की वजह से अभी हवा में नमी बनी हुई है। दिन में धूप निकलने से तो राहत है, लेकिन रात में वातावरण में नमी के चलते पारा नीचे गिर रहा है। रात के 7 बजते ही पछुआ हवा के तेज होने से लोगों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।